नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से अपने चैनल बीएलई लाइव सपोर्ट पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों यहां पर सरकार ने एक नई गाइडलाइंस जारी किया है। क्या गाइडलाइंस है दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। फिलहाल दोस्तों यहां पर लिखा, सरकार ने आदेश किया पीएम किसान ई केवाईसी जरूरी, नहीं तो ई केवाईसी तो नहीं आएगी किस्त। अगर आपने जो भी किसान हैं अगर अभी तक उन्होंने केवाईसी नहीं की है तो उनकी जो किस्त हैं वो रोक दी जाएंगी। इसका पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या आदेश सरकार के द्वारा आया हुआ है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या दोस्तों भोले भटके चैनल पर आ गए हैं तो दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस प्रकार से सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है ई केवाईसी। तो जैसे आप यहाँ ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा जहाँ पर आप अपना आधार कार्ड डालकर ई केवाईसी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना ई केवाईसी कैसे कर सकते हैं या आप कहीं सीएससी या जनसेवा केंद्र पर जाकर इस केवाईसी कैसे करा सकते हैं, पूरा प्रोसेस दोस्तों मैं बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों सबसे पहले पीछे चलते हैं, बैक होम पेज पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ होम पेज पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक लाल रंग की एक लाइन चल रही है, केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर किसान रजिस्ट्रेशन फार्मर, प्लीज क्लिक ई केवाईसी ऑप्शन इन फार्मर कॉर्नर ऑफ आधार बेस्ड ओटीपी ऑथेंटिकेशन एंड फॉर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कॉन्ट्रैक्ट नरेस्ट सीएससी सेंटर। तो दोस्तों यहां पर लिखा है कि अगर आप एक किसान हैं और आप अपने खुद से ई केवाईसी करना चाहते हैं तो आपके जो आधार नंबर है उसमें आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाकर जहां पर आधार करेक्शन किया जाता है आप वहां पर जाकर अपने आधार में मोबाइल नंबर वेरीफाई करवा लें। अगर दोस्तों आप ये नहीं करवाना चाहते हैं तो आप अपने किसी भी सीएससी सेंटर या जनसेवा केंद्र पर जाकर आप अपनी किसान की ई केवाईसी ओटीपी को छोड़कर आप अपने फिंगर के माध्यम से भी यहां पर दे सकते हैं। यहां पर लिखा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन नियरेस्ट सीएससी सेंटर, आप अपने बायोमेट्रिक के द्वारा भी ई केवाईसी करा सकते हैं किसी भी सेंटर पर जाकर। तो फिलहाल दोस्तों आप यहां ई केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो ये जो सुविधा है अभी स्टार्ट नहीं हुई है। आप जैसे ही यहां पर अपना आधार और कैप्चा को डालेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखाएगा नॉट डाटा फाउंड, फिलहाल ये सर्विस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और जो भी किसान हैं दोस्तों उन्हें जो 2000 की किस्त आ रही है, तो अगर आपने ई केवाईसी नहीं कराया तो आपके जो किसान की जो किस्तें हैं पीएम किसान की वो रोक दी जाएंगी। तो यहाँ पर सरकार ने ई केवाईसी बहुत ही ज़रूरी कर रखा है। जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त पाते हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी है, जो भी किसान हैं उन्हें ई केवाईसी अपने खुद से या आप अपने किसी भी सीएससी सेंटर जहां पर आधार कार्ड करेक्शन किया जाता है वहां पर मोबाइल नंबर लगाकर या आप अपने सीएससी केंद्र पर जाकर अपने फिंगर के माध्यम से ई केवाईसी करा लें, अन्यथा दोस्तों आपकी जो पीएम किसान की किस्त जो है वो रोक दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप तक इसी जानकारी को लाने की मैंने कोशिश की है कि आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ये नोटिफिकेशन आ रहा है इसकी जानकारी आपको हो सके और आप इससे पहले जो है इनके बारे में जान सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे दोस्तों और भी आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।